આજે 5મી જાન્યુઆરી છે અને 5મી જાન્યુઆરી એ આપણા ઇતિહાસ સાથે, આપણી વિરાસત સાથે, સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી ચિકિત્સા પદ્ધતિ એટલે કે આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી ઉપચાર કરવાની જે વર્ષોની ઋષિકાળથી જે રીત રસમો અને જે ઉપચાર પદ્ધતિ હતી એને ગુજરાતમાં સ્થાપિત કરવા માટે 5 જાન્યુઆરીના રોજ 1967 આપણે ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી હતી. ક્રમશઃ ઉત્તરોઉત્તર જે વર્ષોથી આપણી ચાલતી આયુષની જે પદ્ધતિઓ ક્યાંક ભૂતકાળની અંદર એના ઉપર સરકાર અને જે પ્રચાર પ્રસાર થવો જોઈએ અને જે જૂની અસરકારક આયુર્વેદિક ઉપચાર પદ્ધતિનો આપણે ક્યાંક લોપ કર્યો, ક્યાંક એને અમલમાં ના મૂકી અને એના કારણે દુનિયાએ પણ આજે યોગ, પ્રાણાયામ અને આયુર્વેદિક ઉપચાર પદ્ધતિ દુનિયાએ અપનાવી છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે આયુર્વેદને, યોગને, પ્રાણાયામને દુનિયાભરમાં અને વૈશ્વિક સ્તરે જ્યારે યોગ દિવસ ઉજવાતો હોય અને આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના અને ઉત્તરોઉત્તર આવતા સમયની અંદર આયુષ ઉપર ખૂબ મોટું ફોકસ કેન્દ્ર સરકારનું અને લોકોનોમાં પણ અવેરનેસ આયુર્વેદિક પદ્ધતિના ઉપચારમાં આવી છે ત્યારે આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓને, ટીચિંગ સ્ટાફને, આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ્સ અને નાની મોટી ડિસ્પેન્સરી અને આયુર્વેદિક ઉપચાર કરતા ખાનગી તમામ ડોક્ટરોને આ દિવસની હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને આવતા સમયમાં આદરણીય પ્રધાન મોદી સાહેબના સહકારથી જામનગરને એક ખૂબ મોટું જીસીટીએમ આપણને મળ્યું છે, ટ્રેડિશનલ મેડિકલ સંશોધનો માટે. અને દુનિયાભરની જે ટ્રેડિશનલ મેડિસિનલ પદ્ધતિ છે ત્યાંથી સંશોધન થશે અને દુનિયામાં પ્રસારને પ્રચાર થશે. આવું ખૂબ મોટું હબ આપણને મળ્યું છે અને સાથે આ જ દિવસ હવે આવતા સમયની અંદર ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ એ હવે એલોપેથી પદ્ધતિની સાથે લોકો અપનાવતા થાય એના માટે તમારી પોતાની જાગૃતિ, આયુર્વેદિક ડોક્ટરોની સાથે ભણતા વિદ્યાર્થીઓની અને સમાજને આમાં જગાડી બેઠા કરી અને નાના મોટી તકલીફો માટે અને શલ્ય ચિકિત્સાઓ પણ આપણા ત્યાં ખૂબ અક્ષીર છે ત્યારે આપ સૌને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान माना जाता है, किंतु यह केवल चिकित्सा विज्ञान न होते हुए अपने आप में एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है. वैदिक काल से ही इसकी सुरभि संसार में चारों ओर प्रसारित हो चुकी थी और इसी सुवास से आकर्षित होकर कई सदियों से अनेक विदेशी छात्र भी हमारे देश में इस अनूठे विज्ञान का अध्ययन करने आते रहे हैं. आज भी यह सिलसिला जारी है और आयुर्विज्ञान के ज्ञान पिपासु विद्यार्थियों का प्रवाह गुजरात की ओर बहता रहता है, जिसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर. इस विश्वविद्यालय की स्थापना भले ही सन 1967 में हुई, परंतु उसके बीज तो सन 1946 में ही उस वक्त बोए गए थे जब नवानगर की राजमाता गुलाब कुंवर बा साहिबा एवं महाराजा जामश्री दिग्विजय सिंह जी ने जामनगर में श्री गुलाब कुंवर बा आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की. आयुर्वेद के प्रति अपने अप्रतिम आदर एवं श्रद्धा के कारण राजवंशी परिवार ने एक विशिष्ट स्थापत्य युक्त विशाल महालय नुमा भवन धन्वंतरी मंदिर का निर्माण करवाया और उसे आयुर्वेद महाविद्यालय के स्वरूप में समाज को समर्पित किया. नगर के श्रेष्ठी शेठ चत्रभुज का भी
इसमें यत्किंचित प्रदान रहा, पर महारानी जी को इस महान कार्य में अपूर्व सहयोग मिला एक एलोपैथी के सर्जन डॉक्टर प्राणजीवन मेहता का। एक एलोपैथ होने के बावजूद उन्होंने जामनगर को आयुर्वेद शिक्षा की राजधानी के रूप में प्रस्थापित करने का बहुमूल्य कार्य किया। आयुर्वेद की इस सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1954 में आयुर्वेद में अनुसंधान हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन की स्थापना जामनगर में की। पूरे देश में यह अपने प्रकार का प्रथम रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसके पश्चात 1956 में राष्ट्र का प्रथम आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र भी जामनगर में ही स्थापित हुआ। 1965 में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अधिनियम पारित हुआ और इस तरह विश्व का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी जामनगर में ही 5 जनवरी 1967 को अस्तित्व में आया। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी द्वारा आयुर्वेदाचार्य यानी कि BAMS, आयुर्वेद वाचस्पति MD, आयुर्विद्यावारिधि PhD, BNYS, PGDYN, DNET योग आयु HE, DPharm आयु, BPharm आयु, MPharm आयु, MSc मेडिसिनल प्लांट, PhD मेडिसिनल प्लांट जैसी उपाधियां एवं विभिन्न प्रमाण पत्र अभ्यासक्रम सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। अद्योपरांत गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में 14,990 स्नातक, 1,333 अनुस्नातक एवं 201 PhD प्रशिक्षित हुए हैं। इसके उपरांत 659 छात्रों ने आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिसिनल प्लांट साइंस, योग निसर्गोपचार एवं आयुर्वेदिक डेंटिस्ट्री में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारतीयों के अलावा विदेशी मूल के करीबन 350 छात्रों ने भी आयुर्वेद एवं संबद्ध विज्ञानों में उपाधियां प्राप्त की हैं। इस विश्वविद्यालय के स्नातकों ने भारत और विदेश की धरती पर कुलपति, निदेशक, परामर्शक, प्राचार्य आदि पदों को भी सुशोभित किया है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में आयुर्वेद एवं तत्संबद्ध विज्ञानों के अंतर्गत पारंपरिक आयुर्विज्ञान शास्त्र तथा उससे संबंधित आधुनिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। आयुर्वेद के विषयों के अतिरिक्त छात्रों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ज्ञान भी दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेदाचार्य का पाठ्यक्रम तथा BPharm आयु, MPharm आयु, MSc मेडिसिनल प्लांट्स पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है। आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट साइंसेस एवं आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस विषयों में PhD पाठ्यक्रम शुरू करने का श्रेय भी इसी विश्वविद्यालय को प्राप्त है। यहाँ के स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान IPGT एंड RA को WHO के भारतीय चिकित्सा पद्धति में सहयोगी संस्थान के स्वरूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अधुना विश्वविद्यालय औषध निर्माण क्षेत्र में एकस्व अधिकार पंजीकरण पेटेंट रजिस्ट्रेशन की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आज विकास के पथ पर अग्रसर है। उसके मुख्य परिसर जामनगर में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट फॉर योग नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस जैसी 4 संस्थाएं एवं इंटरनेशनल सेंटर फॉर आयुर्वेदिक स्टडीज कार्यरत हैं। इनके अलावा
गुजरात के अन्य विस्तारों में 10 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संलग्नित हैं। इस विश्वविद्यालय के साथ स्थानिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने समझौता ज्ञापन MOU किए हैं। आज जब मूल्यवान पांडुलिपियां नामशेष हो रही हैं, ऐसे समय में विश्वविद्यालय ने 7,350 हस्तलिपियों को डिजिटल रूप में तब्दील करने की व्यवस्था की है और इस प्रकल्प के अंतर्गत आज तक 900 से ज्यादा पांडुलिपियों के करीबन 1,00,000 पृष्ठों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। ये पांडुलिपियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध हैं। यूनिवर्सिटी का पूर्ण वातानुकूलित ग्रंथालय आयुर्विज्ञान एवं अन्य विषयों के हजारों ग्रंथों एवं सामयिकों से समृद्ध है। यहाँ विद्यार्थियों को प्रातःकाल से सायंकाल तक निर्बाध अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त है। ग्रंथालय से संलग्न IT कक्ष के माध्यम से छात्र इंटरनेट द्वारा विश्व भर में उपलब्ध ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। आयुर्वेद को सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने हेतु औषधों का उत्तम होना एवं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान छात्रों को प्राप्त होना परम आवश्यक है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विविध उद्यानों में 275 प्रजाति के कुल 4,000 औषधीय वृक्ष एवं ससोई स्थित उद्यान में 170 प्रजाति के औषधीय वृक्ष इस हेतु उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्ण चिकित्सा सुविधा युक्त 2 चिकित्सालय कार्यरत हैं, जिनमें आने वाले मरीजों को निशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। इन सेवाओं में स्वास्थ्य रक्षार्थ स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग, बच्चों की चिकित्सा हेतु कौमार भृत्य विभाग, महिलाओं के लिए स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग, आंख कान नाक कंठ मुख तथा दंत रोगों के लिए शालाक्य विभाग, शस्त्र कर्म आवश्यक हो ऐसे रोगों के लिए शल्य विभाग, सार्वदेहिक सामान्य रोगों की चिकित्सार्थ काय चिकित्सा, द्रव्यगुण रसशास्त्र एवं मौलिक सिद्धांत विभाग कार्यरत हैं। पुराने रोगों में अत्यंत लाभप्रद और आयुर्वेद की विशेषता समान पंचकर्म चिकित्सा भी यहाँ उपलब्ध है। परिसर में स्थित त्रिगर्भा कुटीर विश्वविद्यालय का वैशिष्ट्य है, जहाँ कुटी प्रावेशिक विधि अनुसार कायाकल्प का प्रयोग करवाया जा सकता है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी संलग्न औषध निर्माण शाला फार्मेसी चिकित्सालयों के उपयोग हेतु औषधियों का निर्माण करती है। सर्वोत्तम कक्षा एवं उच्च गुणवत्ता सभर औषधों के निर्माण हेतु फार्मेसी में आधुनिक यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है। आयुर्वेद का लक्ष्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रुग्णों का उपचार करना है। इस परिपाटी का वहन करते हुए विश्वविद्यालय विभिन्न समय पर जामनगर के नजदीक स्थित अलग अलग गांवों को गोद लेकर उसके हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बरकरार रहे इस हेतु विविध प्रकल्पों का आयोजन करता है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आयुर्वेद के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूर्ण साधन सज्ज विविध प्रयोगशालाएं, सुसज्ज फार्मेसी तथा आधुनिक नैदानिक साधनों से लैस चिकित्सालय यहाँ पर होने वाले अनुसंधानों को वैज्ञानिक प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों को प्रकाशित कर विश्व के वैज्ञानिक जगत के सामने लाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयु नामक रिसर्च जर्नल प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि
आयुर्विज्ञान के सुप्रसिद्ध पबमेड में अंकित है। प्राणिज परीक्षणों के लिए विश्वविद्यालय में एक एनिमल हाउस भी है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विविध प्रकल्प भी कार्यरत हैं। प्रकल्पों के नियमन एवं संवर्धन हेतु एक विशेष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स का गठन भी किया गया है। सतत शिक्षण किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हार्द होता है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने भी इस कार्यायोजन को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हुए यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन की रचना की है। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद, पर्वतारोहण, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां इत्यादि के लिए विशेष आयोजन किया जाता है एवं विविध स्पर्धाओं में प्रतिभागिता हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक समरसता एवं समाज सेवा का भाव उजागर करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकल्प भी यहाँ कार्यरत है। इन सब प्रवृत्तियों का मूलभूत उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय का कार्य केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, किंतु स्वस्थ और समर्थ समाज का निर्माण करते हुए राष्ट्र की चेतना में सकारात्मक परिवर्तन लाना और प्राचीन भारतीय आयुर्विज्ञान को प्रत्येक घर में स्थापित कर उसे चिकित्सा की मुख्य प्रणाली बनाने हेतु अग्रसर करना भी है। भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से सर्वे संतु निरामया की वैदिक संकल्पना को सिद्ध करने के लिए गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।